ऑल इंडिया रेडियो और राज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो बात की गई है वो लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, देखो लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब क्या। जैसे आप राज्यसभा का लाइव स्ट्रीमिंग देखते हो, लोकसभा का लाइव स्ट्रीमिंग देखते हो जो चलता है, उसी तरह से जो कोर्ट्स की हियरिंग होती है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की बात कही जा रही है। नरेश सिंह वर्सेस महाराष्ट्र का केस हुआ था और इसमें प्रिंसिपल ऑफ ओपन जस्टिस की बात कही गई है। दूसरा केस संतनी वर्सेस विजय वेंकटेश की बात कही गई, केस हुआ था जिसमें कहा गया कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से साथ में लाया जाए, जनता को पीपुल को न्याय मिले और घर तक मिले और उनको पता चले कि किस तरह का न्याय व्यवस्था है हमारा, किस तरह से जजेस वकील इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर सामने वाला इंटरेक्ट कर रहा है, चेक एंड बैलेंसेस हो तो और ज़्यादा अच्छा है। असल में ये अभी इनिशियली ये स्टार्ट नहीं हुआ है, 1995 से 1996 से ही ये स्टार्ट है। आपको याद हो तो एक दिन हमने एक न्यूज़ डिस्कस किया था, सुपेस SUPAC, ये इसी जुडिशरी के लिए था। और ध्यान रखना ये प्रीलिम्स में कहीं ऑप्शन में भी दिख सकता है आपको सुपेस। देखो कुछ रियायतें दी गई हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो, चाहे मैट्रिमोनियल का केस हो, सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो, चाइल्ड का केस हो, यहाँ प्राइवेसी की बात होगी और कोई भी जो है मतलब इस तरह के केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। कोई भी केस अगर कोई चाहे कि मेरा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो तो उस पर भी कोई ज़बरदस्ती नहीं होगा। इस तरह की बातें, हमारा IT सेक्टर पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा अच्छा अच्छा काम कर रहा है लेकिन हमारे यहाँ भारत में इसके अंदर अच्छा काम नहीं हो पाया। हालांकि COVID-19 से हम लोग जूझ रहे हैं, वर्चुअल हियरिंग से अच्छे अच्छे केसेस सॉल्व होने चाहिए थे लेकिन देखने को नहीं मिल रहा है। वर्चुअल हियरिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं, पेंडेंसी अगर ऐसा हो तो पेंडेंसी केस भी बचेगा, लोगों का आने जाने का ट्रांसपोर्ट खर्च भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। हम ये बात जोर है कि जुडिशियल रिफॉर्म में एक कदम आगे जोर बढ़ गया है, चाहे वो जजेस की बात हो, चाहे जनता की बात हो, चाहे लॉयर की बात हो, तीनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इसको आगे लेके जा सकता है। तो यही कहा गया है इस आर्टिकल में। आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।